हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे ये इंट्राकैट जो बच्चा को पैर में लगा हुआ है वो ख़राब हो चुका है, तो उसे मैं खोल करके हटा रहा हूँ। और लेफ्ट साइड वाला पैर में जो है वो मैंने अभी लगाया हूँ, तो इसका भी वीडियो मैं कुछ देर में अपलोड करूँगा। इस वीडियो के बाद आने वाला वीडियो वही वीडियो आएगा जो मैंने शूट कर रखा है, बट अभी उसे अपलोड नहीं किया है। तो ये कॉमन वीडियो है, एक कॉमन सी वीडियो है कि मतलब इंट्राकैट कैसे ख़राब होता है तो उसे कैसे पहचानेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बच्चा का मतलब जो पैर है, राइट पैर है, उसमें का इंट्राकैट हम खोल के निकाल रहे हैं, मतलब उसमें सूजन हो चुका है, पैर में स्लाइनिंग वगैरह चलता है, इसके वजह से वो पैर हल्का फूल चुका है। बच्चा को उसमें स्लाइनिंग देने पे या कुछ दवा वगैरह देने पे पास नहीं करता है, मतलब उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, इसके वजह से ये ख़राब हो चुका है। हम लोगों को पता चल रहा है कि ये ख़राब हो गया है, पानी पास नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग हटा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, इसे हटा दिए, फिर वहाँ कॉटन रख करके लिपोपोर बैंड कर दिए ताकि ब्लड ना निकले। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, थैंक यू।